तुम यारों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो। हमने इनसे सीखा, हमने इनसे सीखा। मैं कितने चुप्पो दस्तार को ऐसा जानता हूँ जो मिंबर पे और होते के नीचे और होते। गुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मौन हो जा या सरासर संग हो जा। कसम खा के कहता हूँ, तल तल चिंगड़ा बड़ा जाने लगा, कलेजा ठंडा नहीं होना। रही सुलझ किया दुनिया कहेगी, पीरे तरीकत कायनात चीखेगी, लेकिन पूछो मेरे आका से, जब घर जाते हो और माँ बेटा कह के आवाज देती है, तो क्या उन जुमलों में जो सुकून मिलता है, क्या इश्तेहारों के अलकाबाज से वो सुकून मिलेगा? चार दिन के मजे है यार, चार दिन के मजे। हमें तो कुर्सियां भी ताज वाली चाहिए, हमें तो बैठे के भी राज वाली चाहिए। तो सबको माँ की खिदमत में बैठ जाए। अगर तू माँ का नहीं तो तू मुरीदों का दोगे, अगर तू बाप का नहीं है तो इस उम्मत का भी नहीं है। औलाद जो माँ बाप का वफादार होगा वही यारों का वफादार होगा। एक बात कह दूं नौजवानों, बुरा तो नहीं लग रहा है, लगे भी तो कोई बात नहीं, बाद में इमरान भाई को पकड़ लेना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। दुनिया हाथ चूमती है, कोई कमी है इनके लिए हाथ चूमाने की? खुदा की कसम अगर ये कह दे किसी से, मेरे लिए सोने का फर्श बिछा, ऐसे ऐसे चाहने वाले अपनी खाल बिछा देंगे ऊपर वाले, ऐसे ऐसे चाहने वाले। ये अल्लाह ने इज्जतें दी है, लेकिन कभी इनकी हवेली में जाओ तो माँ के कदमों में बैठे मिलेंगे। इनसे सीखो ना, इनसे सीखो यार। जो पर्दे के सामने वाला मसला है वही पीछे भी रखा गया, होश में रखा। माँ क्या कहती है, इतनी रात में आया बेटे? तो कहते हो चुप रहा था, ये कोई बच्चा नहीं है, ये उलमा बैठे। तुम सच बताना, जब मदरसों से लौटते थे ना, तो खुदा की कसम इतने हमारे यार कुछ नहीं होते थे हमें देख के, जितनी हमारी माँ कुछ हुआ करती थी। आज भी बेटा परदेश कमाने चला जाए, औरत हिसाब लगाती कितने महीने हो गए, कितनी तनख्वाह इकट्ठी हो गई होगी, लेकिन माँ शाम को रोज फोन करके कहती, बता खाना खाया कि नहीं खाया, तूने पानी पिया कि नहीं पिया, हाँ तूने पानी पिया कि नहीं पिया। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फितरी बात है। आप बताइए, सबने देखा हुजूर तशरीफ लाए, लोग चाहते थे बिछ जाए पैरों में, बिछ जाए। ये सब जानते हैं हमारे बेटे की इतनी इज्जत है, लेकिन माँ माँ होगी ना, उसे तो यही फिक्र रहती होगी ना, मेरा लाल उगैस कहाँ होगा, वो किस जगह बैठा होगा। ये माँ होती है, इसे समझिए, कोशिश कीजिए। वो कहती है इतनी रात कैसे लगा दी, कहते तू चुप रहा कर, तेरी बातों से खून खोलता, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। वैसे माँ को कहते हो ना तो उसका दिल टूटता, वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ। ये माँ होती, वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब देर से आया करो, माँ दरवाजा बंद कर दे, तुम कटकटाते हो, दरवाजा खोलने में देर हो जाए तो लहजा ऊंचा ना करना, उन्हें डांटना मत, ये तुम्हारे नौकर नहीं है, ये तुम्हारे मालिक है, तुम्हारे आका है, तुम्हारे बादशाह है, तुम्हारे सरदार है, ये सब कुछ है तुम्हारे, इनकी खिदमत किया करो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो, ये दरवाजा खोल दे इनका एहसान है, अगर ये ना भी खोले तो बैठ जाया करो दरवाजे पे, इनकी नींद खराब ना किया करो, फिर भी ये दरवाजा खोलते हैं, तुम गालियां बकते हो, डांटा करते हो, ओ खुदा तुम्हें हिदायत की तौफीक बख्शे। घर में आते हो वो पूछती है इतनी रात तक कहां थे, तो लहजे बदल दिया करते हो, ओ यार आज इनके लहजे से, इनके गुस्से से कभी गुस्से में ना आया करो, बर्दाश्त कर लिया करो, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन ये मां सफेद कफन में लिपट के चली गई, ये बाप जिस दिन सफेद चादर में चला गया, तुम आधी रात को आओगे कोई पूछने वाला नहीं होगा, 3 बजे आओगे किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। ये एक मां ही तो है, जब देर से आओ तो रोटी पे इंतजार करती है, अगर ना हो तो खाना नहीं खाती है। ये एक माँ ही तो है जो तेरे लिए रात भर जागती है, कल जब माँ चली जाएगी तू आएगा माँ नहीं होगी, उस वक्त तेरे कान ढूंढेंगे वो आवाज कहाँ है जो रातों को डांटने के लिए आया करती थी, वो लहजा किधर है जो मुझे रात को उठ के पूछता था अब तक कहाँ है। उस वक्त तुम खून के आंसू बहोगे, सब कुछ होगा, तुम्हें चारपाई तो दिखाई देगी, लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी, तुम्हें वो कंबल तो दिखाई देगा लेकिन लपेटने वाली माँ दिखाई नहीं
देगी। ओ सरदार है तुम्हें पकड़ के चलने वाली लाठी भी नजर आ जाए लेकिन टेक लगाने वाला बुरा बाप दिखाई नहीं देगा। अगर ये है तो इनकी इज्जत कर लो। खुदा की कसम इनके लहजे में सख्ती जरूर होती है, दुश्मनी नहीं होती है, ये सूरज होते हैं। अगर ये ना निकले तो अंधेरा हो जाता है, इन्हीं की रोशनी है जो जमाने में चमक रहे हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ उठाया गोद में माँ ने तबा शान छुआ। कदर करे आलिम हो मौलवी हो पीर हो कोई भी हो माँ होती है। अलादत को तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं अलादत को जानते हैं ना सारे लोग, सारे जाने हैरत की बात है। समझे जरा मेरी बात, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आपका इश्क रसूल मुकम्मल है, मुकम्मल। कैसी जात अलादत की है सोच सकते हो, सोचे जरा। ऐसी जात है मदीना शरीफ जाते हैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी से सामने बैठे, उन्होंने कहा हुजूर जब से आप मदीना शरीफ आए हैं कभी आंखें सूखी नहीं देखी, हर वक्त रोते रहते हैं। सुने लोग जाते मदीना शरीफ, सुने बुरा ना मानिए मैं आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के जिसे खराब लगे सामने जड़ जाए। समझ लीजिएगा बस अपनी इस्लाह हम सब कुछ करें, हम खुद अपनी इसलाह करने लगे खुदा की कसम पूरा मुआशरा सवर जाएगा। नौजवानों अल्लाह कभी मदीने ले जाए ना हुजूर की चौखट पे, दो काम मेरी मर्जी से करना, दो काम मेरी मर्जी से करना। हुजूर की चौखट पे हाजिरी के बाद पहली हाजिरी अम्मा खदीजतुल कुबरा के कदमों में देना, ये मौसिनाए सलाम है। दूसरी हाजिरी खुदा की कसम नबी की अम्मी के मजार पे देना, नबी की अम्मी के मजार पे। मैंने बड़े बड़े मोटे पीरों को देखा, दुआ कीजिएगा शफा मरवा की सही करे, मर गया क्या सही कर रहा है, तुझमें के पत्थर गिर रहे हैं। सोचना चाहिए, ये दुआ के लिए फोन नहीं किया, ये दिखाने के लिए फोन किया मैं कहां खड़ा हूं। मेरे इमाम तेरे इश्क को सलाम, हम खुदा की कसम आला हज़रत का नाम झूठा नहीं लेते, हम सच्चा लेते हैं, हमारी रगों में इमाम अहमद रजा है। और एक बात बता दूं, इमाम अहमद रजा ये चार लोगों का मसलक नहीं है, ये चार लोगों का मसलक नहीं है। अगर चार लोग घेर के बैठ जाए नहीं नहीं ये खारिजी है दाखिल, सुने मसलक आला हज़रत वाला कौन है, मैं ऐलान तिनके की चोट पे करता हूं, हर वो शख्स मसलक आला हज़रत वाला है जिसका ये अकीदा है कौन देता है देने को मुंह जागिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी, हर वो शख्स मसलक आला हज़रत वाला है जिसका ये अकीदा है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जमना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, हर वो शख्स मसलक आला हज़रत वाला है जिसका ये अकीदा है तेरी मिसल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब भरा नूर का। किसी के बाप की रपोती नहीं, एक फिक्र का नाम मसलक आला है, एक आफाकी पैगाम का नाम मसलक आला है। हाँ खुदारा इमाम अहमद रजा, नौजवानों दुआ करें और हजरत से भी खुसूसी दुआ कराएं, अल्लाह हम सबको हुजूर के दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। कोई आंख ऐसी नहीं जो उनके लिए नहीं रोती है, कोई दिल ऐसा नहीं जो मदीने के लिए नहीं धड़कता। कभी जाना ना तो मोबाइल ना चलाने सेल्फी मत ले, फेंक देना कुछ दिन के लिए वो वीडियो क्या जिसमें वायरस आ जाए तो खत्म हो जाए, वहां तो वो वीडियो बन रही है जिसे कोई काट नहीं सकता है, जिसे कोई काट नहीं सकता है। हाँ खुदा की कसम वो वहां पर चीजें आपकी महफिल छोड़ रही है, हुजूर के रोजे पे जाना ना गर्दन झुका के जाना, ये सोचना कहां मेरे कदम कहां उनका हरम। मुकद्दर यहां ले आए, वो कहा था ना किसी ने, वो कहा था ना किसी ने मैं कहां हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, हाँ दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे हजरा देखूं। तो हुजूर के रोजे पे अगर जाना तो संभल के जाना। आला हजरत से लामा ज़ियाउद्दीन मदनी ने कहा था हुजूर है रोते ही रहते मसला क्या है, आला हजरत ने कहा यार पूरी जिंदगी दूर रह के सलाम पढ़ा, आज मेरा जी चाहता है कि हुजूर सामने हो और मैं उनके सलाम पढ़ूं। क्या अहमद रजा इस लायक नहीं कि इन्हें दीदार हो जाए, कहते मेरा हाथ पकड़ो हुजूर के रोजे पे लाए
कहने लगे फिर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया, वसूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। उसके बाद जियाउद्दीन मदनी कहते चीख निकली आला हजरत की, कहते यार औकात से ज्यादा मांग बैठा, हैसियत नहीं थी यहां तक आने की, आ गए और औकात से ज्यादा मांग लिया। उनकी नजरों में तो सब जाहिर था, कौन कुतुब है वो जानते हैं, कौन अब्दाल टहल रहा है उन्हें पता है, कौन गौस है उन्हें सबकी खबर है। वो कहते ये देख सारे अल्लाह वाले घूम रहे हैं और मैंने कितनी बड़ी चीज मांगी है, इमाम ने अपने आप को गिराया। और कहते कोई तुम पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, इतना कहना था पर्दे हट गए, चल वे सामने थे, इमाम अहमद रजा बोले पेशे नजर दोनों बहार, सजदे को दिल से बेकरार, रोकिए सर को रोकिए मांगे भी अपने हाथ। एक बात बता दो बस आखिरी, अल्लाह ताला सबको उस बात के हफीज व बरकात से बना। मैं एक बात आपके जहन में डाल दू, मसरूफ तरीन शख्सियात और बुजुर्ग तरीन शख्सियात को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए, समझ रहे हैं, ज्यादा इंतजार। सुबह में हजारों लोगों की लाइन लगती है और मैं एक, मुझे डर लग रहा मैं कुछ बातें कह नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने इतना देखा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। कोई भी बीमार आए ना सिर्फ एक फूंक डाली जाती है, एक फूंक डाली जाती है 15 दिन का वादा है। मैं 99% ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें 15 के बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती, आ जाए उनकी अपनी मर्जी होती है। ये क्या है खुदा की कसम, अगर बेटा ऐसा है तो फिर करबला वाला हुसैन कैसा होगा, अगर उस करबला वाले को कोई महसूस नहीं कर सकता तो फिर नजफ वाला कैसा होगा, नजफ अशरफ वाला कैसा होगा, हाँ नजफ अशरफ वाला कैसा होगा। हजरत मौलाए कायनात मौलाए इनके ऊपर, इनके घर की बात है और अपने घर की बात औलाद ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन मैं जितना बड़ों ने कहा उसका एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे दीदी अल्फ़िसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मक्तूबात की 3री जिल्द में तहरीर फरमाया कि हुजूर से पहले अंबिया की उम्मत के जितने औलिया थे अल्लाह उन सबको विलायत अली के तवस्सुल से अता फरमाया, मौलाए कायनात के तवस्सुल से उनको विलायत रब तबारक व तआला अता फरमाया करता था। सोचो तो सही अली की शान आप देखें, यानी आलम अरवाह में भी वलियों की रूहों पे करम था मेरे मौलाए कायनात। उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जात जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी बात खत्म करने लगा, मैंने क्या बात की, तवज्जो है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि ये अगर क़यामत के दिन सैयदा कायनात हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तक़िया नक़िया ज़किया खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर कह दिया फरिश्तों क्या बात है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। मैंने क्या बात कही थी, उसने कहा अगर ये फैसला रब ने ही मां को दे दे किधर डालना है, उसने कहा फिर मां तो जन्नत में भेजेगी ना, तो उन्होंने कहा अगर मां इतना प्यार करती है तो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है, रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। एक और कड़वी बात कह दूं, अगर हजम हो जाए तो कह दूं, मैं अक्सर ऐसे पीर देखता हूं जो हाथ यहां पकड़ते हैं रिश्ता बैंकों से जोड़ देते हैं, मगर ये ऐसी जात है जो हाथ यहां पकड़ती है रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देती है। अगर ये बात अरबाबे मिंबर तक अरबाबे मसलक तक मेरी आवाज पहुंचाए खुदा रहा,
कौम को इतना तंग ना करो कि वो बदसन होके तुम्हारी चौखट से लौट आए। ये अंदर खाना एक मैसेज दे रहा हूं बिना कुछ कहे। मैंने ऐसे देखे लोग बिलग्राम शरीफ में, जब आके बैठे ना कि हजरत से मिलना है, खुदा की कसम हुजूर के बेटे दिल तो तोड़ा ही नहीं करते, दिल तो तोड़ा ही नहीं करते। आ भाई जिसकी जहां मर्जी चाहे आ, सबके लिए एक ही जैसा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। एक साहब मुझसे कह रहे कि मुझे हजरत से मिलना है, मैंने कहा फिर बोले फोन कर देना। मैंने कहा यही तो कमाल है, मन के वहां ना चम्मच है ना चमची है, वहां सिर्फ उन्हीं की चलती है और चमचों की वहां जरूरत पड़ती है। जो दिलों को जान लेता हो उसे चमचों की जरूरत नहीं होती। और चमचों तक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना अंजाम देखना हो तो कचड़े के ढेर पे ही चले जाएगा। ऐसे टेढ़े मिलते हैं कि कोई सीधा करने वाला नहीं है। और कभी कभी तो चाय से ज्यादा कितनी गर्म हो जाती है, हटो हजूर आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मदीने से सरकार आ रहा। ये लहजे होते हटो हजूर आ रहा, जिन्हें हजूर वो खड़े हो जाते और लोग उसी में खुश है। नहीं हजूर के बेटों की यह शान है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पारसाओं का तस्करा हो और सज्जाद की बातें ना हो तो फिर दिल ठंडा नहीं होता। इन्होंने इबादत के हक अदा किए, हक अदा किए। हम तो इनके टुकड़े खा रहे हैं, इनके टुकड़े खा रहे हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपकी जंगल में गोशा नशीन हो गए, गोशा नशीन थे, तन्हाई में थे। तो जब उस पूरी फौज का मुहासबा किया था ना सकफी ने, तो वो भागा फिर रहा था जान बचाने के लिए, दौड़ते दौड़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में। मैं मशवरा देता हूं सैयदों से, ना उलझा करो, जब बीमार पड़ोगे तो इनकी चौखट के अलावा कहीं दवा नहीं मिलेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इनसे उलझा ना करो। अगर बीमार पड़ गए कोई संभालने वाला नहीं होगा। और जो किसी घमंड में है ना, अपने बाप दादाओं से जाके पूछ लो, जिसका कोई इलाज नहीं करता उसका इलाज रही सुलतिया की चौखट पे होता है। मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कोई मरीज नहीं है बैठ के देखने, मेरा काम मिंबर पे बैठ के सच्ची बात बोलने का है, इसलिए बोल रहा हूं। बड़े अच्छे अच्छों के भूत बिलग्राम शरीफ में उतारे जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छों के, इसलिए लिमिट में रहना सीखे, लिमिट में। हुजूर की औलाद से ना उलझे, हुजूर की औलाद से ना उलझे। जानते हो इनसे उलझने का मसला, अलहमा कह रहे हैं गौस को धिक्का दे रहा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा दे रहा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा दे रहा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में हाँफता पाँफता घुस गया, भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, कहने लगा पानी मिलेगा, एक प्याला दिया का और दो, दूसरा प्याला दिया का और दो, तीन प्याले दिए। जब जाने लगा फरमाने लगे ठहरना, ये थोड़ा से पैसे भी लेके चला जाए। जब पैसे दिए ना तो उसने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों, क्या अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। उस वक्त रोए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कहा था कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है, कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है। तू ही है ना जिसने मेरे बाप के गले पे 7 बार खंजर के किए थे, का फिर ये पानी को पिलाया। कहने लगे कल हम तुम्हारे मेहमान बन के करबला आए थे, आज तू हमारा मेहमान बन के आया है। जो तुमने किया था ये तेरी असलियत थी, जो हम कर रहे थे ये हमारी असलियत, जो हम कर रहे थे ये हमारी असलियत। अगर नजरें फेर ली है तो नादान ये समझ, जो तूने किया ये तेरा खमीर था, जो इन्हें किया कि ये इनका जमीर है, इसलिए खुदा रहा ये इनकी आदत है सदा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात तो कह के जाऊंगा, बाद में हजरत से माफी मांगूंगा। हाँ मैंने कभी ढोल नहीं बजाया, मुझ पे ये है मुझ पे वो है। CPM में 3 दिन भड़की रहा, हजरत ने बुलाया मुझे, तो बुलाने के बाद कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा हुजूर बस दिल कब्जे में थे, ऐसे करके देखा यूं दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तोरा, कभी कभी यूं देखा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है
दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। कहने लगे छोड़ो मुझे, दवाई वाई बंद करो, लो ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, खुदा की कसम 15 दिन पानी पी, अभी तक किसी दिल के डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। वो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल, वो कराया ना मैंने एक दिन, कराया तो 498 था, जबकि जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते उन्हें पता है कि 300 अगर हो जाए तो आदमी का जिस्म जाम होने लगता है। 498 मुझसे कहा तुम्हारे दिल की सर्जरी नहीं हुई, मैंने कहा नहीं, कहा कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपने इलाके के हकीम रईस के पास, बेटे के पास, हकीम सफर के पास गया, उसने नब्ज पकड़ी, कहने लगा ये बताइए कोलेस्ट्रॉल इतना है लेकिन दिल महसूस कैसे है। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, चोरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी ने कहा था, नाम लेके कह रहा हूँ, आना मेरे संबंध मिलवाऊंगा हकीम से, यही जुमले थे उसके। कहने लगा दिल इतने कोलेस्ट्रॉल के बावजूद दिल बचा कैसे है, अब तक तो 3-4 सर्जरी होती। मैंने कहा सुन, दुनिया अपना दिल दुनिया के डॉक्टरों को दिखा दी है, मैंने अपना दिल कर्बला वाले डॉक्टरों को दिखाया, मैंने अपना दिल कर्बला वाले डॉक्टर को दिखाया है। वो कौन है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। सही बात है, तुम्हारी याद आ होती तो मर गए होते, ये सच्ची बात है। कहने का कौन है, मैंने कहा दिल हमने किसी ऐसे शख्स के हवाले किया गया जिसमें उसके सिवा कोई नहीं आ सकता, ना शैतान आ सकता है ना बीमारी आ सकती है। हैरत की बात है, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, हमारी औकात इतनी नहीं थी, ये जितना नवाजते हैं और नवाजना इनके खून में शामिल है, इनकी मिट्टी में शामिल है। खुदारा अगर भलाई चाहते हो पहले बैठ के कदमों से वापस करा दो। इनकी माँ खातून है जन्नत ने अगर इतना कह दिया, फरिश्तों क्या अगर मेरा लाल है, क्या अगर मेरा लाल है, बात ही खत्म हो जाएगी। माँ खड़ी हो जाए रख के आगे हाथ उठा के, वो माँ जो गोबर उठाए, वो माँ जो मिट्टी लीपे पोते, तेरी मेरी माँ खड़ी हो जाए मालिक, हाथ उठाते उसका अर्शीन था और वो कहता जब तक तू दुआ कबूल नहीं करेगा मैं उस वक्त तक रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। तो जानते हो अल्लाह कहता ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ के हाथों की लाज पहले ही रख ली थी। अगर ये आम माँ के हाथ हैं तो वो खातून ने जन्नत, खुदा की कसम जिसकी लाज तो खत्म हो जाती थी सजदा खत्म नहीं होता। चलो चलाम, चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, उस माँ के लाल हैं ये कह देंगे ना अम्मी जरा ये भी मेरे साथ जाते हैं फिर क्या होगा। खुदा की कसम माँ तो लाडलों के फिर लाड उठाया करती है ना, कहेगी बेटे जा, जिसको हाथ पकड़ेगा वो उसी के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और खुदा की कसम मुबल्लिग मसलक के आला हज़रत अगर कोई जात है सरकार वसीयत की जात है, आज नहीं सरकार ताजु शरिया के हयात में भी। मैं जितने जलसों में हज़रत के साथ शरीक रहा हर जलसे में मैंने हज़रत का ये जुमला सुना, जब तक जिंदा रहना मसलक आला हज़रत को पाबंदी से मत दो नजराने, नहीं चाहिए हमें नारे, बस इतना कर लेना मसलक आला हज़रत से मोहब्बत कर लेना। और मैंने एक जलसे में हज़रत को कहते सुना था, मौलाना जो मुफ्ती साहब अपने यहाँ पहले रहते गुलाम गौसुम की बस्ती में हज़रत गए तो हज़रत ने जुमला कहा था, सुनो पाबंदी से मसलक आला हज़रत को पकड़े रहना, ईमान बचा के कब्र तक ले आना, मैं हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाऊंगा। ये जुमले ऐसे लफ्ज नहीं थे, हज़रत ने ये कहा था अगर मैं जन्नत में गया ना तो फिर तुम्हें भी साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। इससे बड़ी सनत क्या होगी, इससे बड़ी सनत क्या होगी, साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, वे निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर नक्द अपना दाम हो ही जाएगा, है रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सरकारे वश बाप की अल्लाह ताला इस लाजमी के सदक़े में उनकी इस महफिल के सदक़े में हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और मौला ताला हज़रत का साया पूरी उम्मत मुस्लिमा के सर पे ताज़े रखाए मुतायम फरमाए। मैं ये अपनी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, सारे लोग 4 नवंबर को
بلگرام چار پانچ دو دن عرصے مقدس ہے عرصے واسطی بلگرام شریف تشریف لائیے پھر آقا زادوں کو کرم دیکھیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بس میں چاہتا ہوں کہ اسی انداز میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر حضرت سے نصیحت آمیز جتنا حضرت چاہے حضرت سے مبارک کلمہ سن لیے جائیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ورنہ میں بھی بولتا اور حضرت بھی بیٹھتے کافی دیر ہو چکی ہے میرے ساتھ سارے دل کے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر اور زور سے لگنا چاہیے کہ مٹھا مٹھا چلا گیا ہے کریم باقی موجود ہے بولیں ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور رئیس الاسقیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت